कल आपने सब लोगों का भ्रम दूर किया था महावीर जयंती के विषय में और बतलाया था कि पूरे जैन समाज को 3 अप्रैल को ही महावीर जयंती मनानी है। एक जिज्ञासा हमें जैन दर्शन के प्रकांड विद्वान फूलचंद जी प्रेमी बनारस बारों की ओर से प्राप्त हुई और उन्होंने एक विश्वास बड़े विश्वास से बोला कि महाराज श्री आपके इस मंच से जो बात बोली जाती है वह पूरे देश की जैन समाज स्वीकार करती है। ये प्रकांड विद्वान सभी विद्वानों का मत है और प्रेमी जी का कहना है कि महाराज श्री जैसे जन्माष्टमी से पता चलता है कि अष्टमी तिथि है, रामनवमी से पता चलता है नवमी तिथि है, ऐसे महावीर जयंती के लिए भी आपके लिए तिथि से संबंधित आपके माध्यम से नाम प्राप्त हो। बहुत अच्छा प्रश्न है डॉक्टर साहब ने किया। अपन जैसे कई तिथियां जैनियों में भी प्रसिद्ध, जैसे अनंत चतुर्दशी, चतुर्दशी तो 15 दिन में आती है लेकिन उसका नाम सुगंध दशमी। अब वो नाम सुगंध दशमी है, सुहाग दशमी, सुगंध दशमी, ऐसे कुछ हैं, मोक्ष सप्तमी है। ऐसा ही बहुत अच्छा प्रश्न है, महावीर त्रयोदशी इसका नाम होना चाहिए। जय हो, बोले महावीर त्रयोदशी की जय। महावीर त्रयोदशी है ना, महावीर स्वामी के नाम से, क्योंकि चैत सुदी शुक्ला के दिन और किसी भी चीज का कोई उससे निश्चित नहीं बनता कि और भी इसी दिन कोई कार्यक्रम हुआ, इसलिए त्रयोदशी महावीर त्रयोदशी के नाम से, जैसे अनंत चतुर्दशी है ऐसे ही महावीर त्रयोदशी के नाम से आप लोग बोला करें। आने वाली तिथि कौन सी है? 3 मार्च को, 3 अप्रैल को। कौन सी तिथि है? महावीर त्रयोदशी। सब ये बोलना महावीर त्रयोदशी उसका नाम रख दो बस, और नाम जो व्यवहार में चल जाते हैं वो नाम चल जाते हैं। तो अपन ने बोल देना 3 तारीख को क्या है, महावीर जयंती मत बोलना, महावीर त्रयोदशी। और जब अपन इसको बोलेंगे तो एक दिन पंचांगों में भी छप जाएगी महावीर त्रयोदशी। इस प्रकार का नाम प्रसिद्ध करने का यही है कि व्यवहार में बार बार उस उपयोग में आओ। महावीर त्रयोदशी कब है? 3 अप्रैल कब है? बस ऐसा उल्टा सीधा करके पढ़ो, महावीर त्रयोदशी होना चाहिए। ठीक, और जैसा गुरु जी का निर्देश है पूरे देश में अब जो भी बैनर पोस्टर लगे हैं तो महावीर त्रयोदशी देखें। हमारे हिंदू भाई लोगों ने राम नवमी को किस प्रकार से प्रसिद्ध किया है आज पूरा विश्व जानता है, ऐसी महावीर त्रयोदशी की सरकारें अलग से छुट्टी रखें, उस रूप में हमें इसको करना है। जिज्ञासा रखें प्रिंस जैन टिंग।